नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं वैद्य समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रेगनेंसी सब कंडीशन नॉर्मल होने के बाद क्यों नहीं होती है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डॉक्टर सारी चेकअप करा डालता है और हमको ये समझ में नहीं आता कि आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों एलोपैथिक में तरह तरह की रिपोर्ट ली जाती है, तरह तरह की जाँच करवाई जाती है, जैसे कि एब्डोमिनल जांच होती है महिलाओं की, पुरुषों की स्पर्म की जांच होती है जिसमें स्पर्म काउंटिंग कैसी है, स्पर्म की वॉल्यूम कितना है, स्पर्म की कलर क्या है, स्पर्म की स्पीड क्या है और स्पर्म में कितना पावर है, ये सारी चीज़ें स्पर्म की जानकारी ली जाती है। वहीं हम महिलाओं के एब्डोमिनल की अगर हम सोनोग्राफी करवाते हैं, कोई जांच करवाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि यूट्रस में कोई स्वेलिंग है या कोई सिस्ट है या ओवरी में कोई प्रॉब्लम है या फैलोपियन में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या वेजाइनल जो ट्यूब है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो जब सारी जाँच कराने के बाद कुछ नहीं निकलता है तो डॉक्टर बोलता है कि अब बस आप वेट करिए, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, ना आप में कोई प्रॉब्लम है, आपको संतान जरूर प्राप्त होगी। पर ऐसा होता है कि ऐसी कंडीशन में भी संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर इस तरह की परेशानी है तो हमको क्या करना होगा। आयुर्वेद बोलता है कई बार स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है या स्पर्म काउंटिंग नील हो जाती है तो भी आयुर्वेद बोलता है कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें संतान प्राप्त करने की क्षमता ना हो, बस उसके स्पर्म को हमको पावर देना होता है, उसके जो शुक्राणु होते हैं वह सोए हुए रहते हैं, उनको हमको जगाने की जरूरत होती है। और वहीं महिलाओं की हम बात करें कि उनके अंडे नहीं बनते हैं, अंडे एक्टिव नहीं होते हैं और शुक्राणुओं की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, तो आयुर्वेद महिलाओं के लिए बोलता है कि हमको उनका यूट्रस उस लायक बनाना है, उस पावरफुल बनाना है, उसको स्ट्रांग बनाना है कि संतान को एक्सेप्ट कर सके, शुक्राणुओं को एक्सेप्ट कर सके, अंडे सही तरह से प्रोग्रेस कर सकें। तो यही सब औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इन सब चीज़ों के लिए एलोपैथिक में बहुत अच्छे इलाज नहीं है, एलोपैथिक में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम आयुर्वेद में इस चीज़ का इलाज करते हैं तो किस तरह से हमको इलाज करना है। सबसे पहले हमको ये चीज़ें समझनी होगी कि हमारी बॉडी इन चीज़ों को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कमी है। आयुर्वेद बोलता है पहले तो हमको शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल करना होगा, रक्त का शोधन करना होगा, शरीर का कायाकल्प करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने शरीर का कायाकल्प करना शुरू कर दें। कायाकल्प के रूप का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी की शुद्धता करें, आप अपने बॉडी का शोधन करें, आप ये समझें कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, आपका शरीर सुस्त तो नहीं होता है, एक्टिव है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे काम करें। अब जैसे इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए आप व्यायाम करना स्टार्ट कर सकते हैं, योगा करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा खान पान कर सकते हैं, अपने इम्यून को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, रक्त को शोधन करना मतलब हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी शुद्धता के लिए काम करना। अब रक्त की शुद्धता के लिए आप नीम का प्रयोग कर सकते हो, तुलसी का प्रयोग कर सकते हो, शहद का प्रयोग कर सकते हो, गिलोय का प्रयोग कर सकते हो, या किसी की गर्म प्रकृति है, खून में गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं और मेडिकल साइंस में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाती है। तो ऐसे में आप ज़्यादा ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं, बॉडी को ज़्यादा ठंडा रखें। अगर आपका शरीर ठंडा बहुत ज़्यादा तो थोड़ा हीट बढ़ाने वाली चीज़ें लें, जैसे कि आप गिलोय ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं और सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से हमारे शरीर में पित्त की अधिकता होती है जिससे भी हमारा कायाकल्प हमको प्राप्त होता है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप आंवला का जूस पी सकते हैं, तुलसी का जूस पी सकते हैं, गिलोय का अर्क पर डे आप शुरू कर सकते हैं, निर्गुंडी का अर्क या निर्गुंडी के पत्तों का रस आप उपयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से कायाकल्प की प्राप्ति होती है। अब हमने समझा कि हम अगर अपने शरीर की शुद्धता कर लिए, हम अपने शरीर में रूटीन अच्छा बना लिए, हम अपने लाइफ को मेंटेन कर लिए, इसके बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हमको संतान प्राप्ति होने की चांसेस अच्छे बन जाए। तो दोस्तों मैं आपको अब एक दवा बता रहा हूँ। इस दवा का पहले आपको अपने बॉडी का शोधन करना होगा, कायाकल्प करना होगा जिससे आपकी बॉडी पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाए, नई हो जाए।
जब आप अपने रक्त का पूर्ण रूप से शोधन कर लेंगे, इसके बाद फिर आपको एक दवा यूज करना है जो मैं बता रहा हूं उसका प्रयोग करें। आपको लेना है अश्वगंधा, दूसरा पुत्र जीवक बीज, तीसरा शिवलिंगी, चौथा नांग केसर, पांचवा कंठकारी। इन सब चीजों को आप बराबर ले लें और इनका पाउडर कर लें। इन सब चीजों का पाउडर बनाने के बाद इन सब चीज को बराबर मिला लें और इसमें स्वाद अनुसार मिश्री या देसी खांड मिला लें। फिर इसको सुबह शाम आप दूध के साथ सेवन करें। यह एक इतनी अच्छी दवा है दोस्तों, इस दवा से कई लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन वही बात है कि आपको पहले अपने शरीर का कायाकल्प करना होगा, शोधन करना होगा, नए एक्टिव करना होगा आपके, जिससे आपके बॉडी के जो रस हैं, आपके बॉडी की जो क्रियाएं हैं या पाचन क्रिया है वो एक्टिव हो जाए, फास्ट हो जाए, नया खून बनने लग जाए, नई शुद्धता आ जाए, नया चीजें एक्टिव होने लग जाए। पहले आपको शरीर को ऐसा बनाना होगा, इसके बाद फिर इस दवा का प्रयोग करें। मैंने बहुत से लोगों का इसका प्रयोग कराया है, उनका कायाकल्प कराया है, इसके बाद ये औषधियों का प्रयोग कराया है, इसके बाद उनको संतान प्राप्ति बहुत निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल, किसी को 3 महीने में, लेकिन संतान प्राप्ति जरूर हुई। जिन लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपके सारे नॉर्मल हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि संतान प्राप्त आपको क्यों नहीं हो रहा है, आप संतान को कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उन लोगों के ऊपर ये सारी औषधि और इस तरह की उनके ऊपर प्रक्रिया की, मैंने उनको संतान प्राप्ति हुई। मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप संतान के लिए परेशान हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और आपको सारी रिपोर्टें अगर आपकी नॉर्मल है और आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मैंने जो आपको बताया है इस तरह से आप करें, 2-4-6 महीने प्रयास करें, आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।